अगर बुलडोजर चला तो हम अपने संगठन को लेकर के देवरिया जा करके हम लोग आंदोलन करेंगे। 5 लोगों को यादव ही मारे हैं। नवनाथ मिश्रा के घर पे बुलडोजर चले, विधवा पत्नी और 2 लड़कियां कहां जाएंगी, रोड पे रहेंगी। समाजवादी गुंडे नहीं हैं, आखिर हिंदू नहीं रह गए हैं, आज हिंदू से बाहर हो गए, जा करके कष्ट देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और यादव परिवार में कोई आ नहीं रहा। सामने वाला मारा भी गया है, सामने वाले के घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। यो देवरिया कांड में बुलडोजर की बात से यादव समाज नाराज है। किसान नेता श्यामधर यादव जी है जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, क्या कहिएगा जिस तरीके से देवरिया में बुलडोजर की बात चल रही है? ये गलत बात चल रही है। अगर बुलडोजर चला तो हम अपने संगठन को लेकर के देवरिया जा करके हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की हालात खराब हो जाएगी, क्यों कि पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई है और उनका हत्या करने वाला कौन है, उसके घर पे पहले बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये बताइए, प्रेमचंद यादव की हत्या हुई तो क्या जवाब में आप 5 लोगों को मारिएगा जिसमें छोटे बच्चे शामिल हैं? अरे भाई, अभी ये क्लियर कौन हुआ है कि 5 लोगों को यादव ही मारे हैं? ये तो क्लियर हुआ नहीं है। नवनाथ मिश्रा जी ने मारा है, उनका नाम सामने तो आया। नवनाथ मिश्रा जी का जब घर सामने आया है, नवनाथ मिश्रा जी जब अपराधी है तो नवनाथ मिश्रा के घर पे बुलडोजर चले, वो प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर क्यों चल रहा है भाई? वो मारा भी गया और इसके बाद में उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, उनका एक लड़का, एक विधवा पत्नी और 2 लड़कियां कहाँ जाएंगी, रोड पे रहेंगी? वो कहाँ जाएंगे, वो तो खुदा नाथ हो गई है ना। जो गलत किया है, अपराधियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलने देंगे आप लोग? अरे एकदम चलने देंगे, क्यों? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि अपराध, ये आदित्य योगी नाथ कहते हैं कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, आप चलवाइए। पहले प्रेमचंद यादव की जो हत्या किया है, पहले उसको पकड़ा जाए और उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। तो भाई जब वो लोग कह रहे हैं तो कुछ उनको मालूम होगा, तभी ना किए हैं। फोन आया था, फोन से उनको बुलाया गया है, इसके बाद में उनका हत्या किया गया है, किसी गांव वाले ने उनको फोन करके बताया। तमाम संगठन वहां पे पहुंचे हैं, चाहे हिंदूवादी संगठन हो, फिर यादव संगठन हो, तरह तरह की बातें निकल के वहां से सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे हैं, वहां कहा जा रहा है कि समाजवादी गुंडे पहुंच गए हैं। देखिए, समाजवादी गुंडे नहीं है, जान दोनों तरफ से गया है, ये सब बहुत दुख की बात है, ये बात नहीं है, ये समाज है। हम सब हिंदू हैं तो हिंदू हैं, आज अहिर हिंदू नहीं रह गए हैं, आज हिंदू से बाहर हो गए हैं जो हैं, हम भी तो हिंदू हैं ना। हमारे घर के ऊपर आदमी भी मारा गया है, प्रेमचंद यादव की हत्या की गई है और प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर भी चल रहा है। प्रेमचंद यादव से कौन ये कह रहा है कि आप हिंदू नहीं हैं? अरे भाई, यही तो हो रहा है, वहां पे जो जा रहे हैं दुबे परिवार का जा करके कष्ट देख रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और यादव परिवार में कोई आ नहीं रहा है। भाजपा वाले कोई जा रहे हैं प्रेमचंद यादव के घर पे जा रहे हैं, उनके औरत से कोई मिलने जा रहा है? बस यही कह रहे हैं, बस उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, उनके घर को गिराया जाए। अब उनकी औरत, एक तो विधवा हो गई है, 2 लड़की, एक लड़का लेकर के क्या वो रोड पे रहेगी बेचारी? आप बताइए, प्रेमचंद तो मर गए, लेकिन प्रेमचंद यादव को जो हत्या किया है, पहले उसको पकड़ा जाए, इसके बाद में उसके घर पे बुलडोजर। प्रेमचंद यादव का परिवार कह रहा है कि हमारी कोई सुन नहीं रहा, हमारी बात सामने नहीं आ पा रही। हाँ, तो सही बात है, नहीं सुन रही है सरकार, नहीं सुन रही है, निष्पक्ष दुबे परिवार के पक्ष में सरकार काम कर रही है। तो दुबे परिवार को कष्ट भी तो ज्यादा मिला है। अरे तो पहले कष्ट किसको मिला? प्रेमचंद यादव की हत्या की गई है ना, तो किसी की हत्या होगी तो क्या जवाब में जाके सबको सुहा करिएगा, यही सब हत्या ही होगी? नहीं नहीं, मान लीजिए कोई तीसरा कोई ये कांड कर रहा हो, ये भी हो सकता है ना। आपने अभी कहा कि यादव हिंदू नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या यादव की सुनवाई नहीं हो रही सरकार में? एकदम सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर सुनवाई होता तो क्या, सामने वाला मारा भी गया है, सामने वाले के घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा? ये कहाँ का कानून है भाई? और जो लोग माहौल वहां पे जाके बिगाड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, बहुत सारे लोग वहां पर, समाजवादी पार्टी के नेता कोई माहौल नहीं बिगाड़ने जा रहा है वहां,
कोई बिगाड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मीडिया में, मैंने देख रहा हूँ दुबे परिवार में भी जाकर के देख रहे मिल रहे हैं, यादव परिवार में भी जाकर के मिल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की हालात बिगाड़े न, सामने चुनाव भी है उसको देखते हुए ये न्याय हित दोनों के पक्ष में सरकार काम। यादव समाज जो ये कह रहा है क्या हम हिंदू नहीं, क्या हम हिंदू नहीं है, क्या वो चुनाव को ही देख के कह रहे हैं या कोई ये राजनीतिक षड्यंत्र है एक तरीके से? एकदम राजनीतिक षड्यंत्र इसमें रची जा रही है। सामने 2024 का चुनाव है, इसलिए यादव को, यादव के घर पे बुलडोजर चलाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। अगर ऐसा किए तो हर समाज मिलकर के 2024 में हम इनको जवाब देंगे। तो क्या करेंगे, बुलडोजर रोक देंगे आप लोग? भाई हम तो रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, हम यहाँ से ही नहीं पूरे संगठन को हम सूचित करेंगे, ट्रेन से हर एक जिले से, हर एक जिले से आदमी आएंगे और देवरिया जाकर के हम लोग आंदोलन करेंगे और बाबा का बुलडोजर रोकने का काम करेंगे। आपने दुबे परिवार को देखा, उस परिवार में केवल एक छोटा सा बच्चा बचा है, सबको एक तरफ से मार दिया गया। देखिए बात, ये जो हुआ है ये एकदम गलत हुआ है, यादव परिवार में भी गलत। अभी कार्रवाई में कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। पहली बात तो ये कमी देखा जाए, कमी किसका है? राजस्व विभाग को सरकार बोली नहीं रही है, राजस्व विभाग वाले अटका करके रखे हैं। चकबंदी विभाग का क्या इसमें दोष है? चकबंदी विभाग का यही दोष है, चकबंदी विभाग अगर न्याय दे दिया होता तो आज ये दिन देखने को यादव परिवार में, दुबे परिवार में नहीं होता। लेकिन आप तो केवल यादव का पक्ष रख रहे हैं। नहीं भाई, हम यादव का ही पक्ष नहीं रख रहे हैं, हम दुबे परिवार का भी पक्ष रख रहा हूँ। लेकिन पहले हत्या दुबे परिवार से हुआ है प्रेमचंद यादव का, इसके बाद में 5 हत्या दुबे परिवार में हुआ है, ये कौन किया है अभी क्लियर स्पष्ट मैं नहीं बता सकता। नवनाथ मिश्रा का नाम सामने आया है जो प्रेमचंद यादव के राइट हैंड हुआ करते थे, उन्होंने ही 5 की हत्या कर दी। नवनाथ मिश्रा का नाम आ रहा है, अगर नवनाथ मिश्रा साबित हो जा रहे हैं कि ये 5 हत्या किए हैं तो नवनाथ मिश्रा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, न कि प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चले। और अगर बुलडोजर चला तो? बुलडोजर चला तो हम अपने किसान संगठन को ले जा करके वहां बड़ा से बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव सामने, इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं? मैं नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूं। अगर प्रेमचंद यादव के घर के ऊपर बुलडोजर चला तब हम लोग पूरे संगठन, किसान यूनियन के संगठन के लोग जा करके वहां बड़ा से बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और ये जवाब 2024 में योगी आदित्यनाथ को देंगे जरूर।